वतु ववतु नो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा वहै मा विद्विषावहै ॐ शा वैदिक जीवन पद्धति में हम ब्रह्मचर्य सूक्त के जो है दसवें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे एक बार इसका उच्चारण करेंगे अरवा गन्या परो अन्यो दिवस पृष्ठात गुहा तो निधि गुहा्राह्मण तौ तो रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत्व कृणुते ब्रह्म तो यह मंत्र हम पढ़ रहे थे इसमें आपका पीछे का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं ओम स्वामी जी जी जो आपने कल बताया था कि जो ज्ञान की पुजारी वही ब्रह्मचारी जी तो ज्ञान बिना ब्रह्मचारी का नहीं हो सकता है यही बात तो इस मंत्र में भी कह रहे हैं जान तो सर्वोपरि है हाँ। और आगे आज भी वही बात हुई जाने ही इस भोग से बच सकता है जाने ही इस भोग से बच सकता है ये बिल्कुल सत्य है तो गांव में कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, तो जो व्यवस्था नहीं होती उनकी हाँ। तो क्या वो नहीं हो सकता उनका? बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं लेकिन ये बात जो आप पीड़ा जाहिर कर रहे हैं कि जान तो आप क्योंकि यहाँ जब गुरुकुल में आए तो जान कितना बड़ा होता है अर्थात जान का जो दायरा है कितना विशाल है ये यहां आकर के पता चलता है कि वास्तव में जब हम घर में थे या गांव में थे शहर में थे तो हम तो कुछ समझते ही नहीं थे और यहां जान की नदियां बह रही हैं जान कितना विशाल है ये बात अब समझ में आ रही है नहीं तो हम पहले तो कुप मंडूक थे जैसे कुएं में एक जो है मेढक रहता है तो लगता है उसके लिए पूरी दुनिया केवल एक कुआं होता है ऐसे ही जो व्यक्ति एक संकुचित दायरे में रहता है उसको पता ही नहीं चलता कि वस्तुता दुनिया क्या है ये ज्ञान क्या है अध्यात्म क्या है धर्म क्या है कर्म क्या है इतना विस्तार है इसका कि वो व्यक्ति इस पर पढ़ना भी नहीं चाहता है आपका कथन है कि वे लोग फिर ब्रह्मचर्य का पालन इसका मतलब नहीं कर सकते क्योंकि जो ज्ञानी है जो ज्ञान का पुजारी है वही ब्रह्मचारी है जो ब्रह्म का पुजारी है वही ब्रह्मचारी है जो संयम का पुजारी है वही ब्रह्मचारी है तो गांव में तो ऐसी स्थिति नहीं है ऐसा सर्वथा कहना अनुचित है क्यों क्योंकि गांव में जितना संयम है उतना शहरों में संयम नहीं है बात केवल ये नहीं है कि आप कितने शास्त्रों को पढ़ लिए केवल बात यह नहीं कि आपने कितने शास्त्रों को सुन लिया बात यह है कि हमने कितना उसका आचरण किया माता पिता निरक्षर होते हुए भी भी जिनको कभी एक अक्षर भी पढ़ने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं हुआ है तो भी वे इतने संयमित होते हैं वाणी व्यवहार से इतने उदार होते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इतनी उदारता और इतनी शालीनता से व्यवहार करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाता और आज के लोग उनको भोले भाले बोल देते हैं जो अच्छा व्यवहार करता है गांव के सीधे साधे लोगों को वो यार कुछ नहीं जानते ऐसी जो है अजानता युक्त बातें करते हैं तो मेरा इसमें केवल इतना कथन है कि भले ही जिसने वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ा भले ही उसको ऐसा आपके जैसा अवसर नहीं मिला कि आप यहां वेदों की चर्चाएं पढ़ रहे हैं परंतु उन्होंने अपने बुजुर्गों से अपने माता पिता से और उनके माता पिता उनके माता पिता से उनके माता पिता उनके माता पिता से ऐसे ये जो भारतीय शिक्षा भारतीय जीवन पद्धति है जो वैदिक जीवन पद्धति है ये श्रुति परंपरा इतनी जो है प्रतिष्ठित है गांव में कि वहां एक एक छोटे छोटे व्यवहार में बहुत ध्यान रखा जाता है हाँ वो बात अलग है कि अब वह प्रदूषण फैलने लगा है कि लोगों में ऐसी आस्थाएं ऐसा विश्वास और संस्कृति के प्रति इतना अनुराग नहीं रह गया है लेकिन ये बात सर्वथा सत्य भी है इस बात से आप संतुष्ट हैं कि नहीं कि जो भी जैसे हमारे माता पिता आप में से भी बहुत ऐसे माता पिता जिनके माता पिता बिल्कुल नहीं पढ़े लेकिन उन्होंने ऐसे संस्कार दिए आज मैं यहाँ पर हूँ जैसे परम पुष्प स्वामी महाराज कितने बार उदाहरण देते हैं कि माता पिता बिल्कुल अनपढ़ लेकिन परम पुष्प स्वामी महाराज आज पूरे देश और दुनिया का नेतृत्व तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे यदि माता पिता के द्वारा ऐसी शिक्षा दीक्षा न दी जाती यदि हमको ऐसी शिक्षा दीक्षा न दी जाती तो हम यहाँ नहीं होते हम भी कहीं मस्त होते हैं फिर मजे कर रहे होते यही मन में होता खाओ पियो मौज करो तो ऐसा कभी मन में विचार नहीं करना चाहिए कि जो वेद शास्त्र आदि पढ़ नहीं पाते हुए अज्ञानी ही रहते ऐसा नहीं जो श्रुति परंपरा है जो माता-पिता या हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो वेदों का ही जान है इसको एक बार पढ़ते हैं जब दो विद्याओं से युक्त व्यक्ति दो विद्याओं को धारण करने वाला ब्रह्मचारी उसकी रक्षा करने वाला ब्रह्मचारी आगे बढ़ता है तो निसंदेह उसका जान परिपक्व होता है तो यहां पर कह रहे हैं कि ये खजाने कौन से हैं? एक तो इधर नीचे का दिवलोक से उरला और दूसरा दिवलोक से पृष्ठ से उधर का ऊपर का पर्ला है एक तो वह ज्ञान है जो कि हमें यहाँ से दिवलोक की सतह तक का ज्ञान कराता है दिखता है और दूसरा वह ज्ञान है कि जो दिवलोक की सतह से परे का है दिवलोक से परे भी का ज्ञान कराता है उन्हें परा और अपरा विद्या भी कह सकते हैं इन्हें ओंकार के तीन पादों की विद्या तथा तुरीय पाद की विद्या भी कह सकते हैं इन्हें सब अनित्य विनाशी जगत की विद्या तथा अविनाशी नित्य तत्व की विद्या भी कह सकते हैं शायद इन्हें ही यजुर्वेद के अंतिम अध्याय 40वें अध्याय में ये बात कही है कि विद्या और अविद्या के नाम से विद्या अविद्या है उसमें तीन मंत्र सा, साथ साथ हैं कि अंधम तमह प्रविशंति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो याउ विद्यायाम रता अन्य देवाहुर् विद्या अन्य दाहुर अविद्या इति सुसुम धीराणाम ये नस्तद इच्छते विद्याम चा विद्याम चा यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या मृतम अश्रुते ये तीन मंत्र ईशोपनिषद में आए हैं जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के हैं तो यह जो आप पूछ रहे हैं परा विद्या और पराविद्या को धीरे धीरे आगे समझा रहे हैं कि तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का पूर्ण रूप इन दोनों से ही मिलकर के पूरा होता है अविद्या भी हमारे लिए आवश्यक है अविद्या का मतलब क्योंकि आज के परिवेश में अविद्या का तात्पर्य समझिए बिल्कुल कुछ ना जानना ऐसा नहीं है अविद्या और विद्या दोनों को जानना और तद अनुसार फिर आचरण करना इन दोनों को से मिलकर के यह ब्रह्म का जो स्वरूप है ब्रह्म का मतलब पूर्ण रूप इन दोनों से मिलकर के पूरा होता है इनमें से किसी एक से नहीं जैसे परमपुर स्वामी जी बार बार कहते हैं केवल कुछ नहीं होता केवल कुछ नहीं होता है बहुत अस्तित्व और बहुत कुछ होता है तब जा करके ये सारा जो बाह्य जगत है और आंतरिक जगत है सब चल पा रहा है अतः पूर्ण विद्या के दो खजानों के रूप में यहां कहा गया है खजाने के रूप में जो है नहीं अर्थात इनमें से जो पहली विद्या है उससे हम कुछ अधिक परिचित हैं दुनिया की सब वस्तुओं का सब जान चारों वेदों का बाहरी ज्ञान भी इसी में आता है यद्यपि इसके भी ऐश्वर्य खजाने के रूप को हम नहीं पहचानते दूसरी विद्या यह है कि यया अधिगम्यते, जिससे उस अविनाशी अक्षर शांत शुद्ध तत्व का बोध होता है उसके विषय में हम बहुत ही थोड़ा जानते हैं और उसके ऐश्वर्य को तो हम बिल्कुल ही जो है नहीं जानते परंतु जो ब्रह्मजानी है सचमुच ब्रह्मविद है ब्राह्मण है उसको ये दोनों ही ऐश्वर्य ये दोनों ही खजाने प्राप्त होते हैं जो इसका सतत प्रयास करता है उसकी प्राप्ति का जो उद्योग करता है जो श्रम करता है उसी को यह विद्या प्राप्त होती दोनों विद्याओं का वही अधिकारी है वह जिस खजाने को चाहता है उपयोग करता है ये खजाने कहीं बाहर नहीं रखे ये खजाने कहीं बाहर रखे नहीं लोग खजाने बहुत ढूंढते हैं बाहर इतना कभी कभी लोगों को भूत सवार होता है कि कहीं खजाने गड़े हैं और वो रात में लेकर के फावड़ा और, और बचपन में बहुत सुनते थे कि खजाने वहां वहां वो लक्ष्मी ने जो है स्वप्न में आया और उसने कहा यहां मैं जो है हूं उसको खोद करके ले लो ऐसा आप लोगों ने कभी सुना है तो ऐसे खजाना असली खजाना कहाँ है अपने अंदर है अपने अंदर के खजाने को जिसने पा लिया है वो संसार में सब खजाने पा सकता है खजाने का तात्पर्य क्या होता है खजाने का तात्पर्य ये उर्दू शब्द है जहां जो है धन की खान जैसे कोयले की खान होती है ना तो धन का अंबार जहां लगा हो वो खजाना होता है जैसे राजा महाराजा होते थे तो वह क्या करते थे वो धन का कोष रखते थे धन कोष जैसे आज आप ये कह सकते हैं बैंक तो बैंक में खजांची होता है कि नहीं सो क्या बोलते हैं कैशियर तो खजांची का मतलब क्या जो खजाने का मुखिया खजाने को जो है संभालता उसको खजांची बोलते हैं तो ऐसे ही धन की खान या जान की खान बोले जान का खजाना है ये तो, जान का है। तो ऐसे ही खजाने बाहर नहीं रखे जो हर किसी को मिल जाए ये अंदर छिपे रहते हैं गुहा निहित है यही तो इसमें कहा ना गुहा निधि जो गुफा में इसके जो है अंदर छिपे हुए खजाने हैं ब्राह्मण के अंदर हृदय की गुफा में सुरक्षित है ये खजाने सब पा नहीं सकते ये खजाने कहा छिपे हैं ब्राह्मण के अंदर अर्थात उसके अब ऐसा नहीं कि कोई उसके खजाने को जो है अंदर है तो उसके खजानों को बाहर करें फाड़ करके उसके पेट को ऐसा नहीं ये खजाना ऐसा है कि इसको कोई बांट नहीं सकता इसको लोग चुरा नहीं सकते इस पर राजा टैक्स नहीं लगा सकता भाई भाई बटा नहीं सकता ये ऐसा खजाना है ये ऐसा खजाना है जिसको बांटने से सदा बढ़ता रहता है और न बांटने से घट जाता है हा हाँ। अतः ये जान रूप है अंदर पहुंच करके जो चाहे वे इन्हें पा सकते हैं संसार का कोई मनुष्य जो अंदर प्रविष्ट होकर अपनी हृदय गुफा में घुस करके परमेश्वर की कृपा से इन्हें ना पा सके पर अंदर घुसना ही अत्यंत तो दुष्कर है व्यक्ति अंदर मुखी नहीं हो पाता क्योंकि ये इंद्रियां सब क्या है बहिर्मुखी हैं वे बाहर ही जो है घूमती रहती हैं अंदर जाना पसंद नहीं करती हैं इनको अंदर लगाना अंदर के खजाने के प्रति अंदर की जान के प्रति इनको जागरूक करना बड़ा कठिन काम है तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर घुसना ही अत्यंत दुष्कर है दुष्कर ब्रह्म निष्ठ ही अंदर पहुंच पाता है अतएव इन्हें ब्राह्मणस्य निधि कहा जो कहा ब्राह्मणस्य निधि ये ब्राह्मण की निधि है और जो तो ये दो खजाने हैं जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के उपयोग के लिए सदा विद्यमान रहते हैं एक वह है जो कि पृथ्वी से दिवस पृष्ठ तक के या देह से बुद्धि प्रकाश तक के सब ऐश्वर्यों को रखता है और दूसरा वह की जो दिवस पृष्ठ से परे नित्य और अविनाशी दिव्य चित्तत्व के महान ऐश्वर्य को रखता है ये दोनों खजाने ब्रह्मचारी के कारण ही संसार में रक्षित हैं जो व्यक्ति इनकी रक्षा करना जानता है जो विद्या का संचार हो रहा है संसार में यदि इसको कोई आत्मसात ना करे जैसे परमपुर स्वामी जी महाराज ने योग विद्या को समझा जाना और उसको पुनः दुनिया में प्रतिष्ठित कर दिया अब दुनिया में प्रतिष्ठित कर दिया महाराज श्री ने तो यह विद्या पुनः इतनी रक्षित हो गई इतनी सुरक्षित हो गई कि युग-युगांतरों तक यह योग ऐसे ही ऋषियों का जान फैलता रहेगा बढ़ता रहेगा और ये काम किसने किया है एक ब्रह्मचारी ने परमपुर स्वामी जी का अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और ब्रह्मचर्य की शक्ति जिसके कारण ये विद्या रक्षित हुई सुरक्षित हुई जैसे सांसारिक खजाने की रक्षा सिपाही अपनी बंदूक के बल से करता है वैसे ही दो अंतरिक्ष दिव्य खजानों की रक्षा ब्रह्मचारी अपने तपोबल से करता है बंदूक के बल पर लोग जैसे अभी जो बैंक का जब जो है पैसा आता है तो उसमें आरक्षी रहते हैं उसकी रक्षा करने वाले रहते हैं बैंक में जाए तो भी वहां पर सुरक्षाकर्मी रहता है कि नहीं रहता और हमेशा वो बिल्कुल तैयार रहता है मुस्तैद रहता है तैनात रहता है कोई गड़बड़ ना कर पाए तो ये कह रहे हैं कि जो बाहर का जो धन है उसकी रक्षा कौन करता है सिपाही करता है बंदूक के बल से करता है वैसे ये दो अंतरिक्ष जान में दिव्य खजानों की रक्षा ब्रह्मचारी अपने तपोबल से करता है एक बंदूक से करता है एक से करता है यदि संसार में ब्रह्मचारी न रहे संयम और तपस्या न रहे तो दोनों खजाने लुप्त हो जाए ये जो बार बार बात कहते संयम 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 ये संयम तो ऐसे तो लगता है कि बस संयम है लेकिन इतना बड़ा इसका महत्व तो है कि आहार के विषय में संयम वाणी के विषय में संयम शयन के विषय में संयम कितना खाना कितना नहीं खाना कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना कितना बोलना कितना नहीं बोलना कब बोलना कब नहीं बोलना कब खाना कब नहीं खाना कब सोना कब नहीं सोना कब उठना ये सारी चीजें हमारी कैसे हैं संयम से है यह संयम से ही सारा संसार चल रहा है यदि संयम ना हो तो संसार भी नहीं होगा कितना संयम रखना पड़ता है इंद्रियों पर यदि संयम व्यक्ति ना करे तो व्यक्ति पागल हो जाए यदि इंद्रियों पर संयम ना हो तो संसार में कभी भी धर्म प्रतिष्ठित नहीं हो सकता यदि संसार में संयम ना हो तो संबंध कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकते जिसका जो मनाए करे जिसका जो मनाए जैसे जिसके साथ व्यवहार करना करेगा, हम से जागरूक होते हैं कि हमसे बड़े जो हैं उनके प्रति हमको कैसा व्यवहार रखना है जो हमारे माता पिता गुरु आचार्य हैं उनके प्रति जब हम व्यवहार करते हैं तो संयम बरतते हैं कि नहीं बरतते और यदि संयम हमारा टूट जाए तो हम जो है रह नहीं सकते कि रह सकते हैं यदि कोई ऐसा कुकृत्य हम असंयमित होकर के कर दें तो हमको समाज में जीने नहीं देंगे लोग ऐसा होता है कि नहीं और कितने ऐसे कितने कितने धनवान कितने कितने जो अपने को ब्रह्मजानी कहते थे कितने कितने लोग ऐसे लाखों करोड़ शिष्यों वाले वो भी जब असंयमित हो जाते हैं तो जेल की हवा खानी पड़ती है कानून माफ नहीं करता कभी वो चाहे ईश्वर का, का कानून हो चाहे देश का, का कानून हो तो कानून हम कैसे पालन करते हैं संयम से जिसका जब आ, मन हो तभी गाड़ी भगा दे अगर लाल बत्ती दिखाई पड़ रही तो यदि रोके ना संयम उसको कितनी भी जल्दी होगी तो भी संयम बरतता है कि नहीं बरतता तो संयम हमको हर पल हर क्षण आगे बढ़ाता है हमको स्थिर रखता है तो ये बात यही बार बार कह रहे हैं कि संयम और तपस्या ना रहे तो दोनों खजाने लुप्त तो हो जाए अंदर का भी खजाना लुट जाएगा बाहर का भी खजाना लुट जाएगा व्यक्ति बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा नष्ट हो जाएगा यदि संसार में ब्रह्मचारी ना रहे तो संयम और तपस्या ना रहे तो दोनों खजाने लुप्त तो हो जाए संसार केवल भोगग्रस्त असंयमी और बहिर्मुख होकर इन ऐश्वर्यों से सर्वथा शून्य हो जाए परंतु जब तक तपोधन ब्रह्मचारी जन्मते रहते हैं तब तक इस ईश्वरीय संपत्ति से संसार को कौन वंचित कर सकता है ब्रह्मचर्य की इस महान महिमा को देखो इस यह सब संसार किस प्रकार ब्रह्मचर्य से अनुप्राणित है इसे अनुभव करो आप वास्तव में इसका अनुभव करिए इसकी महिमा यदि कई दिन गाई जाए कई घंटों गाई जाए संयम की तो यह समाप्त होने वाली नहीं है अच्छा आपके अंदर क्रोध आ रहा है आप बोल भी नहीं सकते यदि बोलेंगे तो प्रलय आ जाएगी पता नहीं कब क्या आपके साथ घटित हो जाए तो व्यक्ति क्या करता है वाणी पर संयम रखता है कि नहीं रखता बाजार में जा रहा है और उसको कोई चीज बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है उसके पास पैसे नहीं है तो संयम रखता है कि नहीं रखता अगर पैसे है जेब में तब तो कोई बात नहीं लो पैसे लो वस्तु दो चाहे खाने की हो या कोई भी वस्तु हो लेकिन यदि पैसा नहीं है तो उस व्यक्ति से वह जो है छीन करके नहीं ला सकता एक जो मर्यादा है उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है पाकशाला में आप जाते हैं भोजन बन रहा है बहुत अच्छा रबड़ी बन रही है और चाहते है कि नहीं इसको खाना है बहुत गर्मा गर्म है आप रबड़ी खा सकते हैं क्या हलवा बन रहा है स्वामी जी हलवा बनाते हैं कभी कभी तो संयम रखते हैं कि नहीं रखते अगर गरम गरम खाएंगे तो काम तमाम हो जाएगा एक बार खाएंगे भी दोबारा खाने के योग्य बचेंगे नहीं मतलब कुछ दिन तो नहीं खा सकते कम से कम ऐसा है कि नहीं तो संयम हमको हर पल हर क्षण आप यहां बैठे हैं आपको लगता है कि मैं सो जाऊं कक्षा में पढ़ रहे हैं या किसी भी समूह में सभा में बैठे हैं आप चाह करके भी सो नहीं सकते क्यों वो संयम आप रखते हैं अगर आप सोएंगे तो आपको फिर ये लोक व्यवहार के अनुसार ये अच्छी बात नहीं है आप पढ़ रहे हैं यहां तो कम से कम नहीं है बाहर कक्षाएं चलती हैं और शादी विवाह भी होते हैं बहुत लोग बहुत धूम धड़ाका करते हैं कोई नाचने वाला व्यक्ति हो और बाजा सुन करके या जो डीजे बोलते हैं डीजे सुन करके वह नाचना आरंभ कर दे कहीं अच्छी सभा में बैठा हो या कक्षा में बैठा हो तो उसको कोई अच्छा समझेंगे या किसी के घर में कोई दुर्घटना घटी है कितना भी व्यक्ति चाहेगा लेकिन वैसा वो करता क्यों क्योंकि संयम उसको बांध के रखता है संयम के बांध को जब हम बांध के रखते हैं तो हम जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं और जिसके जीवन में संयम का बांध नहीं है मेरे संयम का बांध अब टूट गया और टूट गया तो प्रलय आएगी उसको कोई बचा नहीं सकता है तो संयम जीवन है असंयम मृत्यु संयम ही जीवन है असंयम मृत्यु आप जब आगे बढ़ते हैं तो जब पैर उठाते हैं एक पैर उठाते हैं एक पैर बढ़ाते हैं मतलब जो पैर उठाया उसी को आगे बढ़ाएंगे फिर उसको रखा फिर दूसरा बढ़ाएंगे यदि संयम ना हो अरे मैं तो गिर जाऊंगा तो चल नहीं सकता व्यक्ति एक कदम छोटा बच्चा होता है तो पहले वो डरता है लेकिन आप उसको क्या करते हैं उसका हाथ पकड़ करके एक एक कदम उसको बढ़ाते हैं, ऐसे चलते हैं अगर बच्चे को चलाया ना जाए तो जीवन में कभी खड़ा नहीं हो सकता वो धीरे धीरे संयम पूर्वक आगे बढ़ता है तो संयम की हम चर्चा और आगे करेंगे क्योंकि बड़ा ही अः रोचक विषय है और यही हमारा जीवन है जब का तप जहां पर है वहां ब्रह्म निष्ठा है और जहां ब्रह्म निष्ठा है वहां ब्रह्म जान का ऐश्वर्य पर ब्रह्म जान के का खजाने का उपयोग वही कर सकता है जो ब्रह्म विद्वान है, जिसने ब्रह्म विद्वान जिसने का साक्षात्कार कर लिया है जो जितना ब्रह्मचर्य करेगा तब करेगा अंतर्मुख होगा अंदर के उस कठिन मार्ग को तय करेगा उतना ही उसे अंदर के खजाने का लाभ मिलेगा परंतु इस और खजाने का पूर्ण केवल उपयोग तो वही कर सकेगा जो ब्रह्म को साक्षात कर लेगा पा लेगा मंत्र के इन अंतिम भाग में तत् और ब्रह्म को एक वचन में रख कर, कर दिया कि तो वह अंदर का खजाना है जैसे ब्रह्म एक है उसका द्विविध रूप तो हमें समझाने के लिए दिखाया गया है तो यह दस मंत्र यहाँ पर पूरे हो रहे हैं इसके विषय में कोई चर्चा होगी तो हम अगली कक्षा में करेंगे अभी यही पर इसका विराम कर रहे हैं ओ शांति ही शांति ही शां